गुणों में आत्मा का छठा गुण है आनंद, जहाँ ये पांचों ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति और सुख होंगे, वहाँ जीवन में सर्वोच्च स्थिति आनंद की प्राप्ति होगी। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही है सत चित आनंद स्वरूप। परंतु आज मानव अपने आनंद स्वरूप से इतना दूर हो गया है कि इस आनंद को ढूंढना पड़ रहा है। जिस घर में सभी आनंदित हैं, उसे ही स्वर्ग कहा जाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना। आनंद को श्रेष्ठ और उच्चतम इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गुण का कोई विपरीत शब्द नहीं है। जैसे सुख के साथ दुख, प्रेम के साथ घृणा आदि। यह सुख और दुख से परे की अवस्था है, इसलिए आनंद को अलौकिक ईश्वरीय माना गया है। जब हम स्वर्ण युग में थे तब हमारी यही स्थिति थी। राजयोग की अवस्था में आत्मा अपने रूहानी पिता परमात्मा के संग असीम आनंद का अनुभव करती है। आनंद की एक झलक पाने के लिए हमें अपनी बुद्धि भगवान के पास समर्पण करना चाहिए और सिर्फ उनके साथ ही सारे संबंध जोड़ना चाहिए। तो आइए 108 बार आनंद के सोमान का अभ्यास ओम ध्वनि के साथ करते हुए स्वयं में और विश्व में आनंद की किरणें फैलाएं। ओम शांति। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। 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 आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं 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 आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।